वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान का अव्वलीन मंसूबा बंद और सबसे जदीद शहर है। 20 लाख से ज्यादा आबादी के शहर में सैकड़ों छोटे बड़े निजी अस्पताल और क्लिनिक्स सेहत की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। शोबाए सेहत की खिदमात में बेहतरी लाने और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए 22 मई सन 2018 को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया। अथॉरिटी का मकसद इस्लामाबाद की हुदूद में शोबाए सेहत की सहूलियात का मयार बुलंद करना और कारकर्दगी बेहतर बनाना है। अथॉरिटी इस बात को भी यकीनी बनाती है कि आम आवाम को दी जाने वाली सेहत से वाबस्ता तमाम तर सहूलियात एक मुकर्रा शुदा मयार के मुताबिक हों। हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को ये जो जितने अस्पताल हैं या जितने क्लिनिक्स हैं उन पर अप्लाई किया जाता है, उनको उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम असेस करते हैं या जज करते हैं कि क्या वो उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर रहे हैं, और फिर उनके बाद हम उनको लाइसेंस देते हैं कि वो इस्लामाबाद में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तमाम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स बशमूल निजी अस्पताल, लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, कॉस्मेटिक सेंटर्स, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स, बर्न यूनिट्स, डायलिसिस सेंटर्स, हेमोडायलिसिस सेंटर्स, स्लिमिंग क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक और दीगर सेहत से मुंसलिक इदारे अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग डायरेक्टरेट के पास रजिस्ट्रेशन करवाने के पाबंद हैं। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई भी इदारा या फर्द सेहत की खिदमात की फराहमी का अहल नहीं है। जितने भी इस्लामाबाद में हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, खा वो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, हकीम हैं, होम्योपैथ हैं, मेटर्निटी होम्स हैं, वो हमसे रजिस्ट्रेशन लें और फिर लाइसेंस हासिल करें, उसके बाद वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स रन कर सकते हैं। शोबाए सेहत की मयारी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने का काम इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी का इंस्पेक्शन डायरेक्टोरेट अंजाम देता है, जो वक्तन फवक्तन हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स के आलात और खिदमात का मुआयना करता है ताकि सेहत की खिदमात के आला मयार और उन तक सबकी यकसां रसाई को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ ये डायरेक्टोरेट इस बात को यकीनी बनाता है कि लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले अताइयों को मुनज्जम तरीके से निशानदेही करके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ना अहल गैर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और गैर कानूनी इदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। अताई डॉक्टरों के खिलाफ हमें बहुत सी शिकायत मौसूल होती हैं और हमारी टीम्स एंटीक्वाइटी कंप्लेंस करती हैं और उन इलाकों में जाके अताई डॉक्टरों को सील करती हैं, और अब तक 150 से ज्यादा हम अताई डॉक्टरों को सील कर चुके हैं और 194 के करीब को सस्पेंड कर चुके हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ कंप्लेंट्स मौसूल शुदा शिकायत के अजाले के लिए कोशा है। कोई भी शख्स किसी भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपनी शिकायत हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन या बजरिया डाक जमा करवा सकते हैं। अब हमने एक पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है आवाम के लिए कि जो भी पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटल से रिलेवेंट हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स होंगी वो आकर अपनी कंप्लेंट्स हमारे सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं। किसी भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता अफराद या मुतालिक अमला भी अपनी शिकायत अथॉरिटी को भेज सकता है। अथॉरिटी हर मौसूल होने वाली शिकायत को बहुत संजीदा लेकर फौरी कार्रवाई का आगाज करती है ताकि जल्द से जल्द मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात के बाद मुतासरीन को इंसाफ मुहैया किया जा सके। जैसे कि हमारे यहाँ कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं तो उस कंप्लेंट्स पे हम डिसीजन देते हैं, और कोई पार्टी जो है हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट या कोई कंप्लेनेंट जो है वो अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो अपील में चला जाता है मिनिस्ट्री के पास, तो वहाँ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं अथॉरिटी को। सेहत की सहूलियात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए दरकार मरबूत मॉडल के हुसूल के लिए कोशा है। अथॉरिटी का मेहनती और बासलाहियत अमला पेशावराना अंदाज में मुसलसल अहदाफ के हुसूल की जिद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है। सेहत के मेयारात की बेहतरी के लिए कौमी इदारों के साथ साथ बैन अल-अक़वामी तंजीमों और इदारों के साथ कलेबरेशन्स की जाती हैं, इसमें WHO, UNODC और इस तरह की मुख्तलिफ तंजीमों को हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं।
ताकि जो हमारे मेयारात हैं इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया जा सके। मीडिया एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हम प्रेस रिलीजेस, इसके अलावा न्यूज़लेटर्स, मीडिया कैंपेन्स के ज़रिए अवाम तक मालूमात का सिलसिला जारी रखते हैं। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का मॉडल न सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शोबाए सेहत के लिए इनकलाबी तब्दीली का बायस बनेगा, बल्कि मुस्तकबिल में पूरे मुल्क में सेहत की सहूलियात की बेहतरी के लिए रोल मॉडल साबित होगा।